नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विघ्नो ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ हुई। विघ्नो से ब्लॉक प्रमुख पद पर अरुण कुमार को बीजेपी से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनाया गया। ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ के लिए अभय कुमार जिला प्रवेश सन अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में रहे। इन्होंने गोपनीयता पद की शपथ दिलाई, जिसमें विघ्नो ब्लॉक के भारी संख्या में बीडीसी, प्रधान, महिला पुरुष आदि लोग मौजूद हैं, जिनमें बीजेपी विधायक बिठूर विधानसभा अभिजीत सिंह सांगा, बिठूर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश सिंह यादव व नयोरी प्रधान, जामू से जिला पंचायत सदस्य भूरे सिंह सहित तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं बसपा नेता रमेश सिंह यादव ने कहा कि हमारी टिकट विधानसभा की बसपा से हो गई है। 2022 में जनता हमें आशीर्वाद देगी और जनता हमारे साथ है। हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीतकर विधानसभा को जाएंगे। तो हमारे साथ विघ्नो के नए ब्लॉक प्रमुख हैं, जो कि अरुण कुमार जी है। हम इनसे जानेंगे और इनसे हम बात करेंगे कि जनता ने आपको चुना है, बीडीसी सदस्यों ने आपको चुना है, ये अपने विघ्नो ब्लॉक में किस तरह से जनता की उम्मीदों पे अपने जो इनकी जो जितनी ग्राम सभाएं आती हैं, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य, किस तरह से उन पर खड़ा उतरेंगे। जी अरुण जी, आप जनता के बीच किस तरह से खड़ा उतरेंगे? जो जनता ने विश्वास के साथ हमको बनाया है, मैं सभी का सम्मान करता हूँ और हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है उनके साथ हम चंदे से मिला के गांव का विकास करेंगे और हमारे जितने भी प्रधान बंधु है उनके साथ उनके गांव का विकास कराना है। भारतीय जनता पार्टी से आप निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं। रमेश सिंह यादव जो कि बहुजन समाज पार्टी में उनका बेहद करीबी माना जाता है, हालांकि सुबुगार चल रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव होने के बाद आप बहुजन समाज पार्टी का दामन थाने, इसमें कितनी प्रतिशत चाहिए? अभी तो 6 महीने चुनाव के हैं, अब आगे क्या स्थिति बनती है, आपकी तरफ से क्या विचार है? आप बहुजन समाज पार्टी का दामन थामेंगे या भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे? जनता के बीच किस तरह से जाएंगे? अभी जो कोविड पड़ा था, लॉकडाउन हुआ था, उसमें काफी जो नेता थे, चाहे वो सांसद, मंत्री, विधायक, वो घरों से अपने बाहर नहीं निकल रहे थे। जनता बहुत समस्याओं, कोविड के दौरान बहुत समस्याओं में बहुत मौतें भी हुई। आप जनता के बीच आप किस तरह जाएंगे, क्या उम्मीद रखी जनता आपसे, किस तरह से उनके विश्वास पर खड़ा उतरेंगे? कोविड में हम लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे और कुछ दूरी बनाएंगे। नहीं, जनता की समस्याओं किस तरह सुनो, आप घर में ही बैठे क्या? जब ये तीसरी लहर की तैयारी कर रही है योगी सरकार, तीसरी लहर की तैयारी कर, तीसरी लहर में ये की छोटे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है लॉकडाउन लगे, जनता उस समय लोगों को रोजगार छीन जाएंगे और रोजगार हो जाएंगे तो उनके पास उनकी समस्याओं को उनको राशन दे जाएगा, किस तरह से आपके पास फोन आएगा, उनकी समस्याओं को किस तरह से आप उनके किस तरह खड़ा करेंगे? आप ब्लॉक प्रमुख ने बहुत बड़ा लाभ आपके अंदर मिला है। हम जनता की हर संभव मदद के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हम 5 साल इससे पहले गाँव प्रधान में रहे, हमने मदद की। नहीं तो आप भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे? सर आज क्या प्रोग्राम था जो आपको ब्लॉक में आना पड़ा? देखिए आज ब्लॉक में नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख की शपथ, क्षेत्र पंचायत सदस्यों की शपथ के लिए हम लोग आए थे, उनको हम लोग बधाई देने, आशीर्वाद देने आए थे, इसलिए हम लोग सारे लोग ब्लॉक में इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा में 5-6 महीने बचे हैं, आप जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी और कई भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या किस का टिकट? बहुजन समाज पार्टी में कोई दावेदार नहीं, हमें हमारा टिकट फाइनल हो गया। अच्छा, मानिया बहन जी का आशीर्वाद मिल चुका है विधानसभा लड़ने के लिए 2022 में। तो हम 2022 में पूरी विधानसभा की जनता हमारे साथ है और जनता इसने प्यार दे रही है और आगामी विधायक हमें आम हो गए। जो 2022 जो विधानसभा है, किन मुद्दों के लेके बहुजन समाज पार्टी आ रही है? देखिए बहुजन समाज पार्टी कानून का राज रहा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की हमारा नारा है। हम सारे समाज को लेके चले हैं, चाहे अंगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित समाज हो, हमारा मुद्दा यही रहेगा और विकास का मुद्दा मेन रहेगा। अच्छा, एक तरफ योगी सरकार तीसरी लहर को लेकर तैयारी कर रही, लॉकडाउन संभवतः हो सकता है आगामी 2-4 महीने बाद, जो उस पर छोटे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा,
अब की अगर लॉकडाउन होगा तो जनता के बीच किस तरह जाएंगे? जहाँ एक तरफ शिकायत है जनता की कि कई नेता हैं जो अपने घरों में बैठे रहते, एसी में बैठे रहते, वो जनता के बीच नहीं आते हैं और जनता समस्याओं से जूझती है, अगर आपके पास कोई समस्या कोई फ़ोन आता उनके विश्वास किस तरह से खड़ा उतरेंगे? देखिए, हमारे बदनों ब्लॉक में हम लगातार ब्लॉक प्रमुख हैं 3 बार से। हमारे बदनों ब्लॉक में ऐसा कोई गाँव नहीं जहाँ हमारे पास फ़ोन आया या क्षेत्र की समस्या आई, हम ना वहाँ गए हों ना गए ना इसी समय हमारे ब्लॉक में हमारे प्रति ऐसे लोगों को। We'll be right back.